कुल्लू मनाली में दर्जनों पर्यटन स्थलों पर पर्यटक जान जोखिम में डालकर व्यास नदी के किनारों पर अटखेलियां कर रहे हैं। व्यास नदी की जलधाराओं के साथ सेल्फी लेकर मौज मस्ती पर्यटकों के लिए हादसे का कारण बन सकता है। व्यास नदी के किनारों में उतरकर सेल्फी लेने का शौक पर्यटकों के लिए काल का ग्रास बन सकता है। पहले भी इस तरह से व्यास नदी में पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन हादसों के बावजूद भी ये पर्यटक सबक नहीं ले रहे हैं। व्यास नदी के किनारों पर चेतावनी बोर्डों की अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पर्यटक स्थलों के आसपास पर्यटकों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिससे पर्यटकों को व्यास नदी के किनारे जाने से रोका जाए। कई जगह पर पर्यटक व्यास नदी में पानी के बीच बैठकर गर्मी से निजात पाते देखे जा रहे हैं। एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि व्यास नदी के किनारों पर दोनों तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यटकों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि साइन बोर्डों की अनदेखी से पर्यटक व्यास नदी के किनारे जा रहे हैं, जिससे वे अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से भी आह्वान किया कि वे पर्यटकों को जागरूक करें कि व्यास नदी के किनारे ना जाएं। जगह जगह साइन बोर्ड्स ऑलरेडी हमने लगाए हैं। हम मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नदी किनारों पे ना जाएं, खासकर उन किनारों पे ना जाएं जहाँ पे ऑलरेडी प्रशासन पुलिस द्वारा इस तरह के वार्निंग साइंस लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इन साइंस को अनदेखा करके, वार्निंग्स को अनदेखा करके उस तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे तट जो हैं वो मनाली और कुल्लू के बीच में हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ नॉर्मली लोग जाते हैं। वशिष्ठ में भी कुछ तट हैं, तो ज़िला प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं कि यहाँ कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरास के साथ अगर मॉनिटर किया जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि कैमराज इंस्टॉल हो। बाकी कम्प्लीटली जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर वार्निंग साइंस लगाने का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो वार्निंग साइंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम लगा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।